children listening to us today will truly be inspired by you. Now, I would like to call upon Rupanjali, who is 17 years old, and Rinal, who is 18, from Assam, to speak. नमस्कार माननीय मैडम स्मृति रानी जी और यूनिसेफ की सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे अपने शब्दों को रखने का मौका मिला और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मेरा नाम है रूपांजलि बड़ाइक, मैं आसाम के डिब्रूगढ़ जिले के दिकमटी गार्डन से बिलोंग करती हूँ। मैं एजेस फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पढ़ रही हूँ। मुझे किताबें पढ़ना और हर दिन कुछ नया करने का शौक है। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं गणित विषय में PhD करूँ और सरकारी विभाग में नौकरी करूँ और साथ ही कुछ ऐसा करूँ जिससे हमारे यहाँ की लड़कियों को मुझसे कुछ प्रेरणा मिल सके। हमारे घर में मेरे माता पिता, एक बड़ी बहन और दो छोटी बहन है। दोनों छोटी बहन हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही हैं। बड़ी बहन ने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्किल इंडिया के अधीन काम करने के लिए आउट ऑफ स्टेट गई हुई थी, पर परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण उनको 2 साल में ही वापस आना पड़ा और अब यहीं पे काम करके हमारे पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। हमारे घर में 4 लड़कियां हैं, उस वजह से हमारे माता पिता को ऐसा लगता था कि अगर हमारे घर में भी एक बेटा होता तो अच्छा होता। हालांकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि घर का पहला संतान एक बेटा हो, पर लड़का और लड़की को लेकर जो सोच हमारे माता पिता का था उसको बदलने में हम कामयाब रहे हैं। जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। लड़का और लड़की को लेकर जो भेदभाव है वो शहर में तो देखने को नहीं मिलता, पर गाँव में इसका प्रभाव आज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मैं हमारे देश के उन पिताओं से, उन भाइयों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ये कहे कि वो भी स्पेशल है। अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर उनका मनोबल टूट रहा हो तो आप उनको हौसला दें, प्रेरणा दें आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम जैसे निम्न परिवार में रहने वाली लड़कियां भी शिक्षा का लाभ उठा पा रहे हैं। हमारे यहीं पे हाई स्कूल तक की पढ़ाई की सुविधा भी है। और मैं मैडम स्मृति रानी जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि स्किल इंडिया की अधीन काम करने के लिए लड़कियों को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है और उस वजह से यात्रा के दौरान लड़कियों को बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे स्टेट में भी होगी तो इससे बहुत ही सुविधा होगी। अंत में मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करती हूँ और आप सभी का अच्छा स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। रूपांजलि, तुम अद्भुत बोलती हो और एक तुम्हें सीक्रेट बताती हूँ। हम भी 3 बहनें, 4 नहीं, और मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आसपास के लोग कहते हैं कि काश माता पिता के पास बेटा होता तो कितना अच्छा। मुझे आज भी याद है रूपांजलि, मैं 7 साल की थी, एक दिन मेरी माँ को किसी ने ये कहा कि बेटा होता तो अच्छा होता, तो मैंने पलटकर उस महिला को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे से ज्यादा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। और आज तुम में जो तेज देख रहे हो रूपांजलि, उसको देख के इस बात का मुझे संतोष है कि ना सिर्फ तुमने अपने माता पिता का बल्कि अपने गांव का, अपने समाज का निश्चित रूप से नाम रोशन किया होगा। लेकिन रूपांजलि, गणित में PhD करने के बाद नौकरी क्यों? तुम तो बहुत अच्छी शिक्षिका अथवा बहुत अच्छी इनोवेटर बन सकती हो या अपना बिजनेस चला सकती हो।